धनंजय भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक दो चीजें इसलिए कर दूं कि जैसा अजीत भाई साहब का कहना, कुछ लोगों का कहना भाई कांग्रेस की गलती, ठीक है, लेकिन मैं एक दो चीजें याद दिला दूं। नीतीश जी ने जब आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया था तो क्या उसमें कोई पार्टी का कुछ भला हुआ था और बिहार का भला हुआ था? उनका आरसीपी सिंह के पास एक ही क्वालिफिकेशन थी कि वो उनके स्वजाती थे, एक एक ब्यूरोक्रेट जो जीवन भर बेनी वर्मा और इनके और उत्तर प्रदेश में रहे और किसी के पीएस किसी के वो रहे, उनके पास दूसरी क्वालिटी बता दी गई। नीतीश जी के पास एक नहीं, पचासों ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन खपा दिया। और मैं इसका बहुत फर्म बिलीवर हूँ, राजनीति में लोग अपने इस काम के लिए आते हैं। आप किसी एक ब्यूरोक्रेट को जो केवल आपका पीए रहा है और आपकी जात से आता है, आपने उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, आपने उसको कैबिनेट मंत्री बना दिया। मतलब फिर आपने कहा कि प्रशांत किशोर को अमित शाह ने कहा था हमारे साथ ले दो, तो आपने रख लिया। मैं याद इसलिए दिला दे रहा हूं कि हमें जो अंडरस्टैंडिंग की बात है, अजीत भाई साहब आपको भी थोड़ा, मतलब मैं इसलिए धनंजय जी आपसे पूछ रहा हूं, जॉर्ज फर्नांडिस का 2009 में टिकट काट दिया था भाई मुजफ्फरपुर समता पार्टी में। आज कोई बाघ तो कहे, शायद भाई वहीं के हैं, आज कोई कुछ कह ले, समता पार्टी को एक खड़ा करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस थे, नीतीश कुमार नहीं थे। नीतीश कुमार उसमें चंद्रजीत यादव, नीतीश कुमार, रवि रे, इस तरह के तमाम लीडर थे जिन्होंने अपने कंधे पे उसको खड़ा किया था, लेकिन उसके कर्ता धरता जॉर्ज फर्नांडिस थे। उनका 2009 में आपने टिकट काट दिया, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं इसका कुछ नहीं, शरद यादव को आपने बाहर निकाल दिया। मैं सिर्फ बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब आप एक उंगली किसी के तरफ करते हैं तो चार उंगली आपको भी दिखाती है। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं, मतलब ईमानदारी से बताऊं धनंजय जी, नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस छोड़ के, लाख गड़बड़ थी, सब कुछ था, मुझे एक चीज बता दीजिए, बंगाल और यूपी की बात ना करें, तेजस्वी यादव या लालू यादव का एक स्टेटमेंट बता दीजिए जो इन्होंने नीतीश कुमार की गुस्ताखी में कहा। कल उनकी लड़की ने कुछ आचार उसने कर दिया, कल उस पे सब लोग आग बबूला हो रहे हैं। तो अगर एक किसी की लड़की के स्टेटमेंट से आप इतना गुस्सा हो जा रहे हैं जो कल आया है, तो इस पे तो कुछ कहना नहीं है। मैं जरा समझना चाह रहा हूं आप सब लोगों से, आप खास करके आप लोग बिहार से, कि इस पे मिलेगा क्या नीतीश कुमार को? वो बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ख्याति में कमी आएगी अगर वो जाएंगे। धनंजय भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि वो नहीं जाएंगे, था मत कहिए, वो नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वही है जहां रहेंगे, ये पहले मैं ये कहना चाहता हूँ। हालांकि मैं नीतीश कुमार का ना प्रवक्ता हूँ ना नीतीश कुमार के करीब बैठा हुआ, लेकिन मैं करेक्टर रीड करता हूं, तो मुझे लगता है जैसे धनंजय जी यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब ये चाहते हैं कि वो ना जाए, और सब लोग नहीं, इच्छा यही है वो चले जाएंगे, इसमें नहीं इच्छा, ये चारों लोगों से इनका प्रवक्ता हो गया, मैं कह दे रहा हूँ बिना जाने, बिना इनका, ये हम सबकी इच्छा है कि वो जहां है वहां रहे, वो एक बड़ा काम कर रहे हैं इस देश के लिए, और इसलिए हम सबकी इच्छा है कि वो जहां है वहीं रहे। जी धनंजय जी, लेकिन मैं अजीत भाई ने जो कहा उसमें से कुछ करेक्शन आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन एक बात सही है, एक और मैं थोड़ा सा पीछे और दिखाऊं कि जब 2014 में नीतीश कुमार ने अपने दम पे चुनाव लड़ा था, किसी के साथ नहीं थे वो, तो दो सीट आई थी, उसमें से एक सीट उनकी नालंदा जिला की सीट बड़ी मुश्किल से आई थी, दो ढाई हजार से जीत मिली थी, वो भी बड़ा संघर्ष है, चूंकि मैं उसी जिला का हूँ तो मैं जानता हूँ कितना संघर्ष करना पड़ा था उसके लिए भी उनको। लेकिन 2019 को याद कीजिए कि 2019 में बीजेपी से जब अलायंस हुआ तो उस बीजेपी ने 17 सीटें उनको दी, ये नहीं कहा कि तुम्हारे तो 15% वोट है, ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे दो ही सीट थी, और अपनी जीती हुई सीटें नीतीश कुमार को दे दी थी, एक ये आप ध्यान रखिए। दूसरा, मैं एक और पीछे ले जाता हूँ, बहुत पीछे ले जाता हूँ, जब लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं बनती थी नीतीश कुमार की, और हमारे अभी मैं बिहार आया था तो जो नीतीश कुमार के बड़े सहयोगी रहे, सलाहकार रहे, अभी नहीं है वो, उन्होंने बताया संघर्ष के दिनों की बात बता रहे थे, उन्होंने कहा कि जब बहुत हताश हो गए थे नीतीश कुमार, राजनीति में कुछ हो नहीं पा रहा था, समता पार्टी ने भी कुछ नहीं किया, बहुत कम सीटें आई थी बिहार में, तो उन्होंने कहा क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार उन्होंने कहा कि लालू से बात करिए ना, क्योंकि लालू जी से बात करना नीतीश कुमार के लिए तब आसान नहीं था, उन्होंने कहा कि मेरी भी बात नहीं होती तो एक मंत्री का नाम बताया कि फलाना से, उन्होंने नीतीश जी ने सुझाया कि फलाना से बात कीजिए, बोला वो भी नहीं आपकी बात करेगा, क्योंकि आप एक बार उसको लगता है कि आपने उसका टिकट कटवा दिया था इसलिए आपकी बात वो नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि जो है मैंने कहा उनको, नीतीश जी को, कि अगर आप लालू जी के साथ जाना चाहते हैं तो थूक के चाटना हो जाएगा ये, तो आप जो है, ये 95 के समय की बात कर रहा हूँ,
तो कहा उन्होंने कि एक काम करिए, बीजेपी के साथ क्यों नहीं मिल जाते आप। तो नीतीश जी ने कहा कि बीजेपी के साथ जाने का मतलब होता है जहर पी लेना, आत्महत्या कर लेना, तो बीजेपी के साथ तो हम नहीं जाएंगे। उसके कुछ दिन के बाद वो गए दिल्ली, जॉर्ज फर्नांडिस से मुलाकात हुई। जॉर्ज फर्नांडिस मतलब पहले ही थे, साथ में थे, आपने तो बताया ही। तो जॉर्ज जी ने उनको कहा कि हम लोग बीजेपी के साथ चलते हैं, और उन्होंने उनको फोन किया कि अरे आप जो कह रहे थे यहाँ तो जॉर्ज वही कह रहे हैं, और फाइनली बीजेपी के साथ गए और सरकार बनी और तमाम चीजें हुई। अब जो सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसके साथ एक सवाल ये जुड़ता है कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, कि इंडिया गठबंधन बना रहे, या कांग्रेस पार्टी चाहती है इंडिया गठबंधन न रहे। और इसको इस रोशनी में देखिए कि बीजेपी लगातार इस चीज में लगी हुई है कि नीतीश कुमार हमारे साथ कैसे आ जाए। इधर मीटिंग कर रही है, उधर मीटिंग कर रही है, इसको फोन कर रही है, उसको फोन कर रही है। अब देखिए बीजेपी कह रही है कि उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं संभावनाओं का खेल है। अमित शाह ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, कल प्रपोजल आएगा तो देखेंगे। तो एक तरफ तो दरवाजा बंद करके बैठे थे कि नीतीश कुमार चाहे जो हो जाए, सवाल नहीं उठता आने का, जरूरत नहीं हमको नीतीश कुमार की है। वो बीजेपी लगातार कसरत कर रही है। राम मंदिर देखिए गुम हो गया। राम मंदिर के भरोसे बीजेपी चल रही थी कि 2024 में राम मंदिर से ही जीत जाएंगे। राम मंदिर की चर्चा हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी तो 22 तारीख को राम मंदिर हुआ था, 24 तारीख को अचानक चर्चा बीजेपी ने चेंज कर दी चर्चा और ले आए कर्पूरी ठाकुर जी पर। कर्पूरी ठाकुर जी को बीजेपी दे रही है भारत रत्न सम्मान, ये छोटी मोटी घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना। बीजेपी या उनके नेता या उस तरीके के जो नेता हैं वो कर्पूरी ठाकुर के बारे में क्या बोलते थे ये आप सब जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर को नवा से आगे किसी ने समझा नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को लेकर के अभी 24 तारीख को जो दो दिन पहले जो यहाँ पर रैली हुई उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर, जबरदस्त भीड़ थी, हर रोड से वही लोग आ रहे थे और वो सारे अति पिछड़े लोग थे। बड़ा अच्छा अजीत भाई ने कहा कि उनका वोट प्रतिशत तो 2.9% के आसपास या 60%, लेकिन कुर्मी भी उनसे नाराज है आनंद वर्धन भाई साहब कि वो आप क्यों आरजेडी के साथ है, क्योंकि कुर्मी और यादव में अक्सर झगड़ा होता है खासकर के जिस जिला से वो आते हैं वहां, तो वो नाराज है बल्कि उनसे। लेकिन नीतीश कुमार इसलिए कि नीतीश कुमार ने एक तय किया कि भाई अब हमारी लड़ाई यहाँ पूरी हो गई। ये जो सारा गठबंधन का खेल हुआ बिहार में, नीतीश कुमार को जो मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री उनके लिए पद नहीं है, अभी उनके लिए है वो सामाजिक न्याय जिसको कांग्रेस लेकर के चल रही है और अजीत भाई साहब ने कहा। लेकिन मैं फिर वही सवाल दोहरा दूंगा कि कांग्रेस पार्टी क्या चाह रही है, क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है नीतीश कुमार रहे, क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी कोशिश की कि ये जो गठबंधन है वो मजबूती से रहे। आप ये आलोचना हो जाएगी, कई सारे दर्शक नाराज हो जाएंगे इस बात से, संभव है कि आप जो है कांग्रेस की बुराई कर रहे हो, आपको कांग्रेस की बुराई दिखती है। कांग्रेस पार्टी को एक भरोसा हो गया है कि मोदी एंटी मोदी जब होगा तो सारे मुस्लिम वोट आ जाएंगे कांग्रेस की तरफ और इसकी वजह से हम जीत जाएंगे। लेकिन क्या ये संभव है? कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में यह संभव नहीं है, और ये कांग्रेस पार्टी को भी समझना चाहिए। हालांकि मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि अगर इस बार भी पलटी मार दिए हम, हालांकि मैं पलटी मारना उसको नहीं कहता हूं, उसको राजनीति कहता हूं, प्रेशर टैक्टिक्स बोलता हूं, और राजनीति में हर चीज अपने लक्ष्य के साधने के लिए किया जाता है कि हमने लक्ष्य क्या साधा। नीतीश कुमार को हम जो जानते हैं उसमें ये भी एक नीतीश कुमार के दिमाग में हमेशा सुधारवादी चित्र चलते रहते कि कैसे बिहार को पलटा जाए, बदला जाए, और बिहार को बदलने के लिए तमाम काम किए। और जो कर्पूरी ठाकुर के बोल जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही, परिवारवाद की बात कही उसमें, जिसपे रोहिणी जी के कहने से कुछ हुआ नहीं है, रोहिणी ने ये टिप्पणी की थी, लेकिन रोहिणी से वो नाराजगी वाला भाव नहीं है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं उस तरफ, उनकी मूल नाराजगी जो है वो कांग्रेस से। और आप ये देख लीजिए कि आरजेडी जो पिछली बार जो आरजेडी थी और आज जो आरजेडी है वो दोनों में भारी अंतर है। पिछली बार की आरजेडी में आरोप लगता रहा कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और एक क्लैश था। इस बार की आरजेडी में कोई क्लैश नहीं है, लालू प्रसाद यादव भी कोई संकट नहीं खड़ा कर रहे हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव भी नहीं है मीडिया में, हालांकि वो भी चलाया जा रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन क्यों नीतीश कुमार जाना चाहते हैं, ये सवाल उठता है। तो इसमें दो उत्तर मैं दूंगा। एक उत्तर ये है कि कांग्रेस से नाराजगी है, दूसरा उत्तर यह है कि नीतीश कुमार जो है
वो कई सारी चर्चाओं को गुम करके अपनी चर्चा करवाने में माहिर व्यक्ति हैं, और पूरी मीडिया का मुख जो है उन्हें कैमरा जो है मोड़ दिया है। अब कहते हैं हमेशा कि नरेंद्र मोदी जी कैमरा के लिए बड़ा ये रहता है कि मुझ पे कैमरा फोकस करे, मुझ पे कैमरा फोकस करे, लेकिन कैमरा बार बार नीतीश कुमार पे फोकस कर जाता है। ये बड़ी बहुत बड़ी काबिलियत है। नीतीश कुमार के पास कोई जाति का समर्थन नहीं है, कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन उस आदमी में कुछ तो है कि बीजेपी चाहती है थूक के चाटना। बीजेपी ने तो थूक दिया था नीतीश कुमार, उनको उनका कद छोटा करने का प्रयास किया, तमाम किया, क्यों बीजेपी चाहती है। लेकिन सवाल दूसरी तरफ वही बनता है कि कांग्रेस क्यों नहीं चाहती है नीतीश कुमार रहे। जी, सिर्फ कहना यह है कि मेरे हिसाब से 30 को जब यात्रा एंटर करेगी बिहार, तो उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कहां खड़ा है। ऐसा मुझे लगता है कि अगले दो दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कहां खड़ा है। धनंजय जी, आधे आधे मिनट में आप, शाहिद भाई और सुनील जी, 30 को जो भारत जोड़ो यात्रा एंटर कर रही है बिहार, उस दिन मेरे हिसाब से स्पष्ट हो जाएगा कि इसका स्वरूप क्या है। धनंजय भाई पहले आप, फिर शाहिद भाई, फिर सुनील। देखिए, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि वो राहुल गांधी की यात्रा में जाएं ना जाएं, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बिल्कुल से राहुल गांधी को भी नहीं चाहिए नीतीश कुमार। लेकिन मैं ये कहूं कि जो अजीत भाई ने कहा कि अगर राहुल गांधी और या सोनिया जी अगर बात करती हैं, तो चीजें, ये जो अफवाह चल रही है वो अफवाह बन जाएगी। लेकिन अगर नहीं बात करती हैं तो शायद वो अफवाह सच हो जाए। लेकिन हम भी, जैसा कि अजीत भाई ने कहा कि हम भी नहीं चाहते कि अफवाह सच हो, हम भी अफवाह को अफवाह ही बनाना चाहते हैं। और ये 9 अगस्त 2022 से नीतीश कुमार RJD के साथ हैं बिहार में, तब से गोदी मीडिया लगातार कह रहा है NDA में जा रहे हैं। नीतीश जी अब तक तो NDA में गए नहीं, लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि रामलला की जो धुन थी, जो बज रही थी, कांग्रेस उसको साफ नहीं कर पा रही थी। वो शंकराचार्य बीच में आ गए और शंकराचार्य ने हिम्मत दे दी, लेकिन नीतीश कुमार ने झटके में राम धुन जो है खत्म कर दी। फिर जो राम धुन के बाद जो है वो धुन बजने लगी कर्पूरी ठाकुर धुन, और कर्पूरी ठाकुर धुन आगे भी बजेगी, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो है नीतीश कुमार उनको फॉलो करते हैं। और अगर कर्पूरी ठाकुर धुन इसलिए बजेगी कि अगर नीतीश कुमार अगर गए बीजेपी के साथ, वहां भी कर्पूरी धुन बजेगी वापस। तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी को या कांग्रेस को ये पहल करनी चाहिए, और बिल्कुल ये जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है, भीड़ भले जुटा लीजिए, भीड़ से वोट नहीं बदलता है, वो उत्तर प्रदेश उसका बड़ा उदाहरण है विधानसभा चुनाव। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जो कांग्रेस ने जिन नेताओं को सलाहकार बना रखा है, मैं एक सवाल करता हूं आनंद भाई आपसे, मतलब क्रिटिक होकर बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, मैं भी चाहता हूं कि मोदी जी सत्ता से हटे, मैं वो ओपनली बोल रहा हूं, लेकिन क्या कांग्रेस चाहती है कि सत्ता से बीजेपी हटे? और अगर चाहती होती तो न्याय यात्रा, बिल्कुल सुनील जी कह रहे हैं कि न्याय यात्रा, तो पहले से न्याय फलाना, न्याय से ढिकाना, और मैं तो बोलूं कि प्रीएम्बल में लिखा हुआ न्याय की बात कर, राजनीतिक, सामाजिक और न्याय की बात है। लेकिन सवाल उठता है कि जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, उसके अलावा कांग्रेस का क्या फंक्शन दिखाई पड़ रहा है? कांग्रेस क्या दिल्ली में बैठे नेता क्या कर रहे हैं, दूसरी जगहों पर बैठे नेता क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो उठेगा कि जो इंडिया गठबंधन में जो कमिटी बनाई गई है वो कर क्या रही है? क्या नीतीश कुमार को फोन किया, क्या अखिलेश को फोन किया, क्या उनके साथ ममता बनर्जी के साथ बैठ के बात हुई कि आपको जो बोलना है हमसे बैठ के बात कीजिए, पब्लिक में बोलने की जरूरत नहीं है? ये हो सकता था। तो मुझे लगता है सोनिया जी को और राहुल जी को इस पर एक बार विचार करना चाहिए। और अगर एक हमारे है ना कि फूफा जी रूठ जाते हैं, तो फूफा जी अगर रूठ भी गए हैं किसी बात से, तो फूफा जी को एक बार बोल लीजिए कि फूफा जी मत रूठ के जाइए, आपके लिए कुर्सी हमने रखी है। और एक और बात देखिए, हमें जो मैं बात कर रहा था, मुझे लगता है 21 तारीख को हम बैठे थे साथ में, 21 तारीख को उन्होंने मुझे कहा कि धनंजय NDA इनको कन्वीनर बना रही है नीतीश कुमार को, इसलिए नीतीश कुमार उधर चले जाएंगे। हमने तब भी कहा, उनसे सवाल किया कि नीतीश कुमार को फायदा क्या होगा, तो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैंने 4 बार सवाल किया कि नीतीश कुमार को फायदा क्या है। तो एक हमारे यहाँ कहावत है मगध में कि खेले दमा तो ठीक है, नहीं तो घुचिए में पेशाब कर देबो। हम लोग यहाँ गोली खेलने का जो होता है उसमें एक होल बनाया जाता है मिट्टी में, तो उसमें जो है जब हम पेशाब कर देंगे तो तुम भी नहीं खेल पाओगे। वो नीतीश कुमार के साथ जाकर के बैठता है उस कैरेक्टर के साथ कि अगर वो नहीं बन रहे हैं तो बिगाड़ देंगे खेल जरूरी। लेकिन मुझे लगता है खेल बिगाड़ने वाली पोजिशन में नहीं है, मैच्योर हो गए हैं, और इस मैच्योरिटी के नाते वो भी समझ रहे हैं कि देश चाहता क्या है, देश किस तरह से बढ़ना चाहता है। बिल्कुल अजीत भाई की एक और बात से मैं सहमत होता हूं कि नीतीश कुमार को केवल बिहार का नेता मत समझिए, नीतीश कुमार आज के संदर्भ में एक
यहाँ से हरियाणा तक की चेन है और हरियाणा तक की जो सड़क बनी हुई है उसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं शीर्ष नेता हैं। उनको बिहार के 45 विधायक के नेता के तौर पर अगर देखेंगे तो आप उनको बहुत अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, उतना अंडरस्टिमेट कांग्रेस न करें।